कर रहे हैं कुछ लोग, तो मैंने कहा मैं भी रिस्पॉन्स दूँ। मतलब मैं कोई खिलौना हूँ जिसको बाजार से खरीदते चाबी भरी और चल के दिखा दीजिए सर। सर जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं लाइक उनकी लाइफ स्टोरीज ऐसी होती है जिसपे बुक लिखी जा सकती है, और कई सारे चाहते हैं कि बुक लिखें, बट उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम, और साथ में राइट स्किल सेट भी नहीं होता उनके पास में लिखने का। तो मैं एक डेढ़ साल से एक बिजनेस पे काम कर रहा हूँ, द बुक्स फैक्ट्री, जिसमें ये है कि हम लोग उन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को अप्रोच करते हैं, जिसमें हम लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं, मतलब उनका शायद 8 से 9 इंटरव्यू लेते हैं हम लोग, और हर चैप्टर पे 1-2 इंटरव्यू होता है, और उसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि एग्जैक्टली आपके क्या थॉट्स है, क्या आइडियाज़ है, क्या आपका विजन है बुक का, और उसके अकॉर्डिंग जो मैंने एक एंजल राइटर्स की टीम बना के रखी है, वो भी टीम क्या है, वो बस फ्रीलांसिंग वेबसाइट से मैं लेता हूँ और वहाँ से मैं लोगों को हायर करता हूँ, जितना वो पेमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं उनको हायर करता हूँ, और बेसिकली उसके अकॉर्डिंग, उनके थॉट्स के अकॉर्डिंग, उनके विजन्स के अकॉर्डिंग हम लोग उनका बुक लिखते हैं, फिर बुक पब्लिश करते हैं अमेज़न वगैरह पे, प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो क्वेश्चन ये है कि बिज़नेस ठीक चल रहा है, USA में मेन क्लाइंट्स मेरे आ जाते हैं, पर इंडिया वाले जो क्लाइंट्स हैं वो टैप नहीं होते, वो उतना पेमेंट करते नहीं है, वो पैसा उतना देते नहीं है, वो कहते इतना तो बहुत ज़्यादा है। तो सर ये प्रॉब्लम था कि इंडिया में कैसे मार्केट को कैप्चर किया जाए। आप कह रहे हैं US में तो ये चल रहा है बिज़नेस आपका, कितना चल रहा है, मतलब वहाँ पे भी ज्यादा नहीं चल रहा होगा? मतलब 2 से 3 क्लाइंट्स पर मंथ के आ जाते हैं, which is a good thing, which is a good thing। और इंडिया में आप कितना मांगते हैं उन लोगों से जो entrepreneur, जो normally जो USA वाले जो क्लाइंट्स ये सब बातें शेयर करने में ठीक है ना? चलेगा सर। हाँ ठीक है। तो सर USA वाले जो क्लाइंट्स है वो अराउंड $20,000 to $25,000 देते हैं, ओके, विच इज अराउंड 15 to 16 lakhs। उसका अराउंड 40-50% मार्जिन बचता है हमारा, राइट। बट इंडिया वालों से भी मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ तो दे कांट अफोर्ड इट। हाँ, वो कितना कहते हैं, कितना दे सकते हैं उतना, वो जैसे कि 5 to 6 lakhs, राइट। मैंने ना स्टार्टिंग में इंडिया से ही स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्टिंग में 2 से 3 lakh रुपए में भी वो पैकेजेस बेचे थे, बट उससे ज्यादा वो जाते नहीं है, उससे ज्यादा वो इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। आई अंडरस्टैंड, इंडिया में थोड़ी सी मेंटालिटी है ही कि वो बिजनेसमैन अगर बड़ा भी है तो जैसे आप बात करोगे ना 2-4 lakh रुपए की तो सोच में एकदम से पड़ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि पीपल डोंट लुक एट इवन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग फॉर दैट मैटर एज एन इन्वेस्टमेंट, दे लुक एट इट एज एन एक्सपेंस। कुछ भी करने में उनको ये लगता है खर्चा है, खर्चा नहीं करना है। हाँ, कमाई की बात है तो आ जाए, जहाँ से आ रहा है जितना आ रहा है आने दो, देना नहीं है, जेब से 1 रुपये भी निकालना नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, अपने बिजनेस मॉडल को ऐसा बना देना है कि वो खुद आपके पास चल करके आए और वो कहें कि लीजिए पैसे और प्लीज हमारे लिए ये करिए। अगर ऐसा हो गया तो कमाल हो गया ना, मजा आ जाएगा। हाँ, अब कैसा होगा, इट इज वेरी वेरी सिंपल। अब क्या करो, बिजनेस मॉडल को हल्का सा ट्वीक करो। जो US का आपका चल रहा हो तो चल ही रहा है, वहाँ पे मार्केटिंग अपनी और तेज आप कर सकते हो, तो डायरेक्ट कर रहे हो आप, yes। आप निकाल करके यहाँ से वहाँ से डेटा और उन लोगों को डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हो लिंक्डइन के थ्रू, यहाँ से वहाँ से। इंडिया में आप क्या कर सकते हो, बजाय एक एक का करने के आप एक इंडस्ट्री को पकड़ो। कितनी इंडस्ट्रीज है, मतलब इंडस्ट्रीज इन द सेंस सेक्टर्स हो गए ना, तो कितने सेक्टर्स हैं इन टोटल इंडिया के अंदर? कई सारे, बहुत सारे हैं, और उन सेक्टर्स को भी सब सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो आपने एक सेक्टर पकड़ा, मान लो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड टू फार्मा इंडस्ट्री। अब आप कह रहे हो कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ और आपके पास में एक्सपीरियंस है ही, क्योंकि आपने US के लिए लिखा है तो प्रोफाइल है, यू आर नॉट अ न्यू कमर इन दिस फील्ड, एक्सपीरियंस है आपके पास में। तो अब आप अप्रोच करोगे कि वी आर अ कंपनी विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, ये वो, आपने पहले तो अपनी खुद की प्रोफाइल बनाई, क्योंकि जाते आपसे सबसे पहला सवाल पूछेंगे आपने क्या किया है, किसके लिए किया है, नहीं किया है तो हम क्यों करें। तो आप कहेंगे पहले हम ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर हम एक बुक लिख रहे हैं कि फार्मा में टॉप 100 एंटरप्रेन्योर्स कौन है हमारे अकॉर्डिंग। गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, आप कह रहे हैं कि एक बुक में हम लोग कई सारे एंटरप्रेन्योर्स को इंक्लूड कर सकते, कई सारों को इंक्लूड कर दो, और उन 100 से आप 1-1 lakh रुपए लो। 15 lakh क्यों लेते हो एक से, क्योंकि फार्मा कंपनीज कितनी है इंडिया में, हजारों हैं, छोटी बड़ी मीडियम साइज की कुछ भी। तो बोलो कि हम क्या करेंगे, आपकी पूरी विजन को, आपने क्या किया, कैसे किया, ये वो करके, और उसको बताएंगे पूरी दुनिया को कि देखो आपने कहां से शुरू किया था और आज आप कहां पर आ गए हो, कितने छोटे लेवल से आपने शुरू किया था। 1 lakh रुपए देने में उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। 1-1 lakh रुपए अगर आपके पास 100 से आया तो आपके पास में 1 crore रुपए आ गया। हाँ, तो अब आपके पास मार्केटिंग का भी बजट आ गया। अगर आप एक के ऊपर ही बुक लिखते हो, दैट मीन्स 10-15 lakh रुपए आप लगाते हो और किसी एक के ऊपर बुक लिखते हो, तो उसमें क्या मार्केटिंग करोगे? मार्केटिंग के लिए भी तो पैसा चाहिए, प्रिंटिंग के लिए भी चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ,
तो अब आपने क्या किया, शुरू में इसकी कॉपीज कम बनवाई, क्योंकि एकदम से बिकेगा तो है नहीं, वो अभी भी आप कम ही बनवाते होंगे, 1000-2000 कॉपीज है जितनी भी डिजिटली हम लोग पब्लिश करते हैं, लाइक ट्रेडिशनल पब्लिशिंग नहीं है, राइट, आप अभी डिजिटली कर रहे हो, अब यहाँ पे ट्रेडिशनल भी कर सकते हो, दोनों डिजिटल कम ट्रेडिशनल, प्लस इसका आप बोलोगे एक इवेंट भी होगा जहां पर आप आएंगे आपको एक अवार्ड दिया जाएगा, तो सब कुछ हो गया, एक पूरा का पूरा पैकेज बन गया। इवेंट में कितना लगा, 5-10 लाख रुपए। तो ये पहली बार में अगर आपने देखा आपके पास 1 करोड़ आने वाला है, उसमें से आपने मानो पूरा 1 करोड़ भी लगा दिया, तो अगले साल जब आप दोबारा से ये करोगे, आप समझ रहे हो क्या होगा, क्या वो 1 लाख नहीं, वो 2 लाख भी देने को तैयार है। सही बात। और वो खुद आपके पास आएंगे, प्लस अगले साल जो और जो लोग नहीं आए हैं दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हो, जैसे कॉन्टेस्ट होते हैं, जब कोई कॉन्टेस्ट शुरू होता है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, जब वो कॉन्टेस्ट 2 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, रियलिटी शोज होते हैं, जब शुरू होता है कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, जब वो एक ब्रांड बन जाता है 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद, तो हर कोई उसमें आना चाहता है, चाहे वो कोई सिंगिंग शो हो, चाहे ये हो वो हो, तो इसको आप एक ब्रांड की तरह देखो। तो अब क्या होगा, ये एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बन गया। इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए आप अलग अलग ब्रांड्स खड़े कर सकते हो। टॉप 100 फार्मा एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, इसको आप फार्मा भी बोल सकते हो, हेल्थ केयर भी बोल सकते हो, और ब्रॉड हो गया सेक्टर, अब इसमें हॉस्पिटल्स भी आ गए, फार्मा कंपनीज भी आ गई, सब आ गया। टॉप 100 हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, सुनने में भी अच्छा लगता है वर्ड, दे आर केयरिंग फॉर हेल्थ। मजा आ रहा है यार, आ रहा है ना, थोड़ा सा दिमाग खोलो तो मजा आएगा इस पूरी कहानी को देखने में। उसके बाद में ऐसे ही आप अलग अलग सेक्टर्स के लिए कर सकते हो। और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर के कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, बताओ। टॉप 100 FMCG एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, FMCG की कितनी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी हैं, हजारों हैं, उनकी आपको डायरेक्टरीज मिल जाएंगी, वहां से आप डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हो, अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, अपना ये जब आप इवेंट करोगे और ये बुक रिलीज करोगे तो एक प्रॉपर आप तरीके से रिलीज कर सकते हो, उसमें किसी सेलिब्रिटी को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। आप आओगे सर? मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। मेरी वेबसाइट पे आपने शायद देखा नहीं है, राइट। सो कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी या कोई ऐसा पर्सन जो आए वहां पर इनॉग्रेट करे उस इवेंट को, जो आ करके उन लोगों को अवार्ड्स दे, तो उनके अंदर भी एक क्रेज आ जाएगा कि हाँ ये सेलिब्रिटी आने वाली है या आने वाला है, उनसे पहले टाइप कर लो। तो इस तरीके से पूरा पोजीशन करके आप जब उनको दिखाओगे कि 1 लाख रुपए आपका लग रहा है, उसमें आपको मिल क्या क्या रहा है, एक अवार्ड मिल रहा है इस सेलिब्रिटी के हाथ से, एक बुक में आपका पब्लिश हो रहा है, बुक ऑफलाइन भी होगी, सब रिटेल स्टोर्स पे अवेलेबल होगी, ऑनलाइन भी होगी, इसकी ई बुक भी होगी, प्लस इस बुक की हम एड्स देंगे इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स के अंदर, कुछ एड्स टेलीविजन में भी आएगी। टेलीविजन एड हमको सुनने में बहुत बड़ा लगता है, इससे क्या हो रहा है आपका पैकेज इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है, आप उनको कमिट कर सकते हैं, क्योंकि टेलीविजन एड इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, जो लीडिंग चैनल्स हैं वहां पे महंगा होता है एड, 10 सेकंड का 2 लाख रुपए, 3 लाख, 5 लाख रुपए होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो पॉपुलर हैं, कुछ न्यूज चैनल्स हैं जो 10 सेकंड की एड आप वहां पे 1000 रुपए, 2000, 3000 रुपए में आप दे सकते हैं। तो अगर आपने पूरा पैकेज लिया तो 2 लाख रुपए में आपका पूरा का पूरा पैकेज तैयार है। पहले आपने उन लोगों से बात करी, पूरे रेट्स लिए, पैकेज बनवाया, तो 2-4 लाख रुपए भी अगर आपने उधर लगाया, 5 लाख रुपए आपने टीवी में लगाया, 5 लाख रुपए आपने न्यूज पेपर्स में लगाया, तो क्या हो रहा है, एक बार की मेहनत है ये, लेकिन फिर पूरी लाइफ आपकी किस डायरेक्शन में जाएगी, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। होता क्या है, हम देखो दो तरह के रास्ते होते हैं बिजनेस में, एक ये है कि कुछ ऐसा किया जाए जो मुश्किल हो, यानी कि हर कोई ना कर सके। अब ये सुन करके बहुत सारे लोग हवा टाइट हो जाएगी, अरे इतना कौन करेगा, समझ गए, बट यही इस बिजनेस की ब्यूटी है कि जो कर गया ना इस तरीके से, अब हर कोई जब आएगा उससे कॉम्पीट करने के लिए तो वो यही सोचेगा अरे इतना कौन करेगा, तो कोई कॉम्पिटिशन होगा ही नहीं, धीरे धीरे आपकी मोनोपोली बनती चली जाएगी। और जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोलते हैं इसको, जो पहले शुरू कर देता है किसी भी काम को, वो कर देता है। बॉलीवुड में कितने अवार्ड फंक्शंस हैं, उसमें अब तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन जो पुराना है वो तो पुराना ही है ना। बॉलीवुड अवार्ड फंक्शन के नाम से सबसे पहला नाम कौन सा आता है हमारे माइंड में, फिल्म फेयर आता है, क्यों, सबसे पुराना है। और आने वाले टाइम में आपको स्पॉन्सरशिप्स भी मिल सकती हैं इसकी, कि दिस बुक स्पॉन्सर्ड बाय दिस, पावर्ड बाय दिस, प्रेजेंटेड बाय दिस, एक एक स्पॉन्सर आपको 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए देगा। तो ये जो पहले साल में आपका गेम शुरू हो रहा है 1 करोड़ से, उसको आप धीरे धीरे करके और अलग अलग सेक्टर्स के लिए आप बढ़ा करके आप 100-150 करोड़ तक भी पहुंच सकते हो यहाँ से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और शुरू में ये पहला आपको करने के लिए कोई बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, आप उनसे टाई अप भी कर सकते हो, ऐसे लोगों से
जो कंटेंट राइटर्स होते हैं उनसे आप टाई अप कर सकते हो ना फ्रीलांसिंग बेसिस, आपको हायर करने की जरूरत नहीं है राइट. तो इस बिजनेस को आप ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो. इसमें लगेगा कुछ भी नहीं, लेकिन जब एक बार एक क्लिक कर गया, शुरू में एफर्ट लगेगा, डेफिनेटली लगेगा. एक बार धीरे धीरे आपका ब्रांड बन गया, फिर ईयर ऑन ईयर ये चीज होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई, तो फिर कहा जा सकते हैं उसकी कोई लिमिट ही नहीं है. ये जो अभी इनसे डिस्कशन हुआ उसका कुछ बेनिफिट हुआ आप लोगों को? लग रहा है जेन्युइनली के बेनिफिट हो रहा है, समझ आ रहा है कैसे सोचते हैं, बड़ा कैसे सोचते हैं. और बड़ा सिर्फ हवा में नहीं, मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं, बड़ा वो जो प्रैक्टिकल भी हो. जो भी कुछ मैंने इनको कहा वो सब प्रैक्टिकल लग रहा है, रियलिस्टिक लग रहा है, उसकी नीड भी है. डाउन द लाइन इज गोइंग टू बी अ ब्रांड. ठीक है जी, जब करोड़पति बन जाओगे हमें भूल तो नहीं जाओगे ना, गरीबों को मत भूल जाना भैया, हमें भी याद रखना. नहीं सर, नहीं नहीं याद रखोगे? याद रखूंगा. याद रखोगे? थैंक यू जी. Thank you.